इल्जाम भी लगाए, अखबारों में भी दिया। जो लोग नैब के केस जिन पर बनते हैं उनकी तमाम जिंदगी मफलूज हो जाती है। 3 साल से जो भी इस केस में है और दीगर नैब के केसों में है, तमाम की जिंदगी मफलूज है। इसका जवाब नैब के पास है। क्या नैब ये लोगों को ये उनके जिंदगी के साल वापस दे सकता है? जो लोग जेलों में गए, जो कारोबार ना कर सके, नौकरी ना कर सके, ये बड़े गहरे सवाल हैं। सबका चेयरमैन नैब तो यहाँ से फारिग होकर 6 महीने डेली वेजेस में काम करते रहे, उसके बाद यहाँ से फारिग हुए और जाकर अब मिसिंग पर्सन ढूंढ रहे हैं। तो जो उन्होंने हाल नैब का किया है, यही मिसिंग पर्सन का भी करेंगे। और आज तक पाकिस्तान के अवाम को जावेद इकबाल साहब ये बताने से कासिर हैं, जो खुद लोगों का एहतसाब करते रहे कि उनके अपने असासे क्या हैं। ये वो सवालात हैं जो इस मुल्क के लिए ज़रूरी हैं कि वो लोग जो दूसरों को जेलों में डालते रहे बगैर इल्ज़ाम के, आज वो ये बताएं कि उनके अपने असासे क्या हैं, उनकी जो ज़रिया आमदन है वो क्या है। आज मुल्क का बदतरीन इदारा, सबसे करप्ट इदारा नैब है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास कर चुका है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, और ये वाज़ेह हकीकत है कि जब तक ये इदारा रहेगा मुल्क नहीं चलेगा। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस इदारे को रिपील किया जाए, ख़त्म किया जाए, क्योंकि अगर ये इदारा रहेगा तो पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट भी कई हफ्ते से इस मामले को देख रहा है कि जो अमेंडमेंट्स हुई हैं क्या उनकी वजूहात क्या हैं, गहरी तफसील में जा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि नैब ने 23 साल में किया क्या है, वो इदारा जो सियासतदानों के लिए एहतसाब के लिए बना था, क्या वो सियासतदानों का एहतसाब कर सका या नहीं, क्या वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ या नहीं, उसने लोगों की ज़िंदगियों पर क्या असर डाला। ये वो सवालात हैं जो इंसाफ का निज़ाम जिनका तकाजा करता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को आज ख़ुद ये फैसला करना चाहिए कि इस इदारे को ख़त्म कर दिया जाए, नैब की ऑर्डिनेंस को रिपील करें। इसकी बुनियाद एक आमर ने डाली थी अपने मकासद के लिए, और वो मकसद जमहूरी नहीं थे, वो मकसद जमहूरियत को कंट्रोल करने के थे, वो सियासतदानों को बदनाम करने के लिए थे, वो मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए थे। इसलिए आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के लिए कोई फैसला करना है तो फैसला ये होना चाहिए कि इस इदारे को ख़त्म कर दिया जाए, वरना अगर हुकूमतें ये करती हैं तो उनमें इल्ज़ाम लगता है कि अपने आप को बचाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून अपने आप को नहीं बचाना चाहती। मैं तो ये कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के केस रहने दें ताकि मुल्क हमारा चल सके। जनाब इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन हुए तो इमरान खान ने दो के अलावा बाकी तमाम सीटें जीती, मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली की 1 सीट मिली। आपका कहना था कि इस सीट के जीतने का क्रेडिट राणा तनवीर को है, तो हारने का क्रेडिट आप लोग किसको देंगे? हारने का क्रेडिट नहीं होता यार जीतने का क्रेडिट होता है। अब वो तो अपनी जगह इलेक्शन है ना। अब राणा अपना ख्वाजा नवीद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, तो अगर कोई वोट है आपके पास तो इनके लिए। आप लोगों का मुसलसल मुतालबा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं, तो फैसले किए जाए, तो मुमकिन हो नायल हो जाए या ना भी हो, अदालतें भी हैं उनके, अदालतों के हैं। मगर ये बताएं क्या लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आप इमरान खान को नायल करार देकर सियासत से बाहर करना चाहते हैं? सियासत से नाहल कौन हुआ है उसका नाम ज़रा बता दें। उसका नाम नवाज शरीफ है, और मैं सिर्फ ये कहता हूँ हम किसी को नाहलियत नहीं देखना चाहते। सियासत का मुकाबला मैदान में होना चाहिए, अवाम के फैसलों के मुताबिक होना चाहिए, इलेक्शन चोरी नहीं होने चाहिए। लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि जो निज़ाम एक आदमी के लिए, दूसरे के लिए भी वही होगा, तीसरे लिए भी वही होगा, चौथे के लिए वही होगा। अगर आप अपने बेटे की कंपनी से पैसे, जो फीस होती है डायरेक्टर फीस, ना लेने पर किसी को ताहयात नाअहल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, तो फिर वो शख्स जिसने
अरबों रुपया लूटा हो, इसका बाहर से पैसे आए हों, अरबों रुपये आए हों, हिसाब ना दे सके, तो उसका फिर फैसला क्या होगा? ये मैं मेरा सवाल है। सही बताइए कि फवाद चौधरी ने कल भी बोला है कि मुज़ाकरात बैकडोर चल रहे हैं, अगर इलेक्शन के अनाउंसमेंट होती है तो समझे मुज़ाकरात कामयाब हो गए, और अगर लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट होगी तो समझे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, तो क्या पीएमएलएनसी से मुज़ाकरात कैसे है? बैकडोर जो होता है वो हमेशा मुल्क की नाकामी का सबब बनता है, बैकडोर से बचे। अरे खाई साहब, महंगाई से आवाम तंग है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वज़ीर आला पंजाब ने एक एलिगेशन लगाया, उन्होंने कहा पंजाब में जो रोटी महंगी हुई है उसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। सिंध में दूध 200 रुपए किलो हो गया, और दूध महंगा करने वाले शाकिर गुजर को सिंध हुकूमत जो कि आपकी कोलिशन पार्टनर है, उसने जब उसने 180 रुपए था तो उस वक्त ऐलान किया कि 200 करेंगे, उन्होंने उसको अवार्ड दिया, तो ये इसका जिम्मेदार कौन है आपकी? इसके जिम्मेदार 2018 के इलेक्शन की चोरी है, जिसने ऐसे लोग ऐवानों में भेजे हैं, ऐसी हुकूमतें बनी हैं, और ये सिर्फ 2018 के इलेक्शन नहीं है, जब से इलेक्शन का निज़ाम हुआ है हमने इसको एक मजाक बना लिया है। नुमाइंदा लोग ऐवानों में आते हैं, अवाम के नुमाइंदा हुकूमतें नहीं बनती, और ये सब मामलात वहाँ से हैं। सर वो एक तकर्रुरी है जिसका इंतज़ार सबको है, आप नाम ना बताएं मगर ये तो बता दें उसका ऐलान कब होगा, कब वो नाम अनाउंस किया जाएगा, जिसके बाद गैर यकीनी। कौन सी तकर्रुरी की बात कर रहे हैं? नई आर्मी चीफ की तकर्रुरी सर, सीधी सी बात है, वो बता दें। नहीं, नई आर्मी चीफ की तकर्रुरी जो है, जो मौजूदा चीफ है उन्होंने खुद कह दिया है कि मैं किसी एक्सटेंशन का मुतलाशी नहीं हूँ, और मैं 29 को मई नवंबर को रिटायर हो जाऊँगा। ये एक बहुत अच्छी रवायत है कि उन्होंने पहले ये फैसला कर दिया है, और चूंकि कानून जो है उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है एक्सटेंशन की, तो अब 29 से पहले इंशाल्लाह आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाएगी, जो सीनियर जनरल्स हैं उनमें से एक होगा। ये यही निज़ाम है, लेकिन हमारे मुल्क की कमज़ोरी इसी बात से नज़र आती है हमारे निज़ाम की, कि आज पूरा मुल्क जो, आप भी ये सवाल करते हैं, लोग भी ये सवाल करते हैं, ये एक रूटीन की अपॉइंटमेंट है जो हर 3 साल बाद होती है, होनी चाहिए और मामला आगे चलना चाहिए, लेकिन ये हमारी सियासत का मेहर, ये अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। यही खराबी की अक्कासी करता है कि हमारे मुल्क के निज़ाम में खराबी क्या है। मुल्क भर में गैस की कमी बढ़ती जा रही है, सर्दियाँ आ रही हैं, सुई सदन गैस कंपनी ने और सुई नादरन कंपनी ने नया शेड्यूल भी जारी कर दिया, तो आप लोग कोई इस पर कर रहे हैं कोई बेहतरी, कोई LNG वगैरह जो भी सिलसिला? LNG जब लेने का वक्त था तो हमने ली नहीं, जिन्होंने ली उनको आपने जेलों में डाला, अब आप भुगत रहे हैं। इस वक्त जो LNG का शिप, जो हमारे ज़माने का शिप है, जो 8 आते हैं हर महीने, उसकी कीमत है $3.5 करोड़, जो मार्केट से आता है उसकी कीमत है $14 करोड़। ये आप खुद हिसाब लगा लें कि हर महीने $80 करोड़ का फ़र्क है, ये साल का $10 अरब का फ़र्क है। तो मैं नैब से पूछूंगा कि आप, अब आप जवाब दें जो हमसे ये पूछते थे कि आपने महंगी LNG खरीद ली है, तो मेरा चेयरमैन नैब से सवाल है सबका से, जब आप जवाब दें नज़र आकर। मैं तो जवाब 4 साल से दे रहा हूँ, चेयरमैन नैब में कोई शर्म और हया है तो आकर ये आवाम के सामने, टीवी कैमरों के सामने बात करे कि जो उसने तफ्तीशें की, जो उसने इल्ज़ाम लगाए, जो हद तक की, उसका जवाब कौन देगा? ये इंसाफ के तकाजे होते हैं, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, उसको कानून और इंसाफ का ना पता हो, उससे फिर तारीख भी सवाल करेगी और लोग भी सवाल करेंगे। ये बता दें कि जो सर्दी है मौजूदा, और जो गर्मी है मौजूदा, इसमें क्या फ़र्क है? आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, मुकर्रा वक्त ये अपना टर्म पूरी करेगी, उसके 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। आइन को पढ़ लिया करें ना, हमारे मुल्क में आइन बदकिस्मती से जज पढ़ते हैं, ना कानूनदान पढ़ते हैं, ना आप जर्नलिस्ट पढ़ते हैं।